वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता। तो दोस्तों, चेहरे को अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन हेल्दी रहे तो आपको क्लींजिंग और फेस वॉश बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। क्लींजिंग और फेस वॉश करने से आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी मैल होती है, जितनी भी डेड स्किन होती है, जितने भी पोर्स में डर्ट होती है वो निकल जाती है। तो इसके बाद आपकी जो स्किन है ना, बहुत अच्छे से सांस ले पाती है, जिसके कारण आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आता है। क्लींजिंग और फेस वॉश दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, पर आजकल लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है, इसीलिए मैं आपके साथ लेकर आई हूँ क्लींजिंग प्लस फेस वॉश, जो कि आप घर पे बना सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने घर पे बनाया है, जो कि सभी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे खत्म होंगे, चेहरे का रंग बहुत ही ज्यादा साफ हो जाएगा, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम खत्म होगी। इन शॉर्ट कहूं कि आपके चेहरे की हर तरह की प्रॉब्लम का हल है ये फेस वॉश प्लस क्लींजिंग, क्योंकि आपको दो दो चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस इससे अपने फेस को वॉश करना है और रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। दोस्तों, ये मैंने बनाया है मुल्तानी मिट्टी से और इसके साथ मैंने इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरी चीज जो इसमें मेन है वो है कस्तूरी हल्दी। तो दोस्तों, जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, गर्मियों में बहुत ज्यादा अच्छी होती है, सभी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तब भी आपको इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके चेहरे की जो मेन ऑयल है उसको लॉक करके रखती है, जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको ही रिमूव करती है। इसमें मैंने ऑयल इस तरह से डाले गए हैं कि जो कि आप सभी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई बिल्कुल नहीं करेगा आपकी स्किन को, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा सा ग्लो देगा। इसके साथ साथ मैंने इसमें डाला है कस्तूरी हल्दी। तो दोस्तों, कस्तूरी हल्दी बहुत ज्यादा अच्छी होती है स्किन के पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने, दाग धब्बे, सनटैन सबको खत्म कर देती है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा ये फेस वॉश प्लस क्लींजिंग है, आपका टाइम भी बहुत ज्यादा बचेगा, पैसे बचेंगे और स्किन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले इसको मैं बता देती हूँ कि यूज किस तरह से करना है, उसके बाद दिखाती हूँ इसको बनाना किस तरह से है। चलिए दोस्तों, बातें बहुत होगी, आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पर आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल बटन को प्रेस नहीं करते हैं। अगर आप बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, एक ही बार आपको बेल बटन प्रेस करना है, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी सबसे पहले आपके मोबाइल में टिंग टोंग होगा मेरे वीडियो का, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए लेट्स गेट स्टार्टिंग। तो दोस्तों, ये 2-in-1 क्लींजिंग प्लस फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, इससे ना केवल आप अपने फेस को बल्कि पूरी बॉडी को भी वॉश कीजिए, क्योंकि समर में जो है हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सन टैन हो जाता है, हमारी नेक काली हो जाती है, हाथ पैर ब्लैक हो जाते हैं। तो इस तरह यूज़ करने से आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो इससे आप अपने फेस को 2 से 3 बार आराम से वॉश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने आपके साथ मसूर दाल का फेशियल और सीरम शेयर किया था, जो कि पिगमेंटेशन दाग धब्बों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी देखिएगा। इसके साथ साथ उसको यूज़ करोगे तो स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आएगा, स्किन एकदम से आपकी साफ़ हो जाएगी। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने जो है सोप बेस का यूज़ किया था, बट बहुत से लोगों के पास सोप बेस नहीं होता है, तो इसलिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ पियर्स का सोप, जो कि आपको आराम से मिल जाएगा। ये ग्लिसरीन बेस होता है जो कि स्किन को नुकसान नहीं करता है। तो दोस्तों, इनमें से अगर आप कोई भी फर्स्ट टाइम अपने फेस के ऊपर यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसका पेस्ट टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही यूज कीजिए। कोई भी होम रेमेडीज अगर आप यूज करते हो तो पेस्ट टेस्ट करने के बाद ही यूज कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने साबुन को जो है ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 80 ml का ये मेयरमेंट कप लिया है, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक कप लूँगी और उसमें 80 ml जैसे कि 2 टाइम जो है इसमें सोप को डाल दूँगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसी कप से मैंने 6 बार फ्राई पैन में पानी डाला है, 6 कप 80 ml के, और उसको मैंने थोड़ा सा वार्म किया है, ताकि जो हमारा सोप है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो दोस्तों, जब ये ठंडा हो जाएगा तो देखिए ये मेल्ट हो गया है। अभी हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी, जो कि क्लींजिंग का काम करती है। तो यहाँ पर मैंने जो है इसमें
दो बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी के ऐड किए हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून ऐड किया है कस्तूरी हल्दी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 4 ड्रॉप सिर्फ टी ट्री ऑयल की दोस्तों। टी ट्री ऑयल बहुत ही अच्छा होता है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, स्किन के एक्ने पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन का ऐड किया है, ग्लिसरीन भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है दोस्तों। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून स्वीट एलमंड ऑयल का। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून एलमंड ऑयल के ऐड कीजिए, उसको मिक्स करके किसी भी बॉटल में निकाल लीजिए, आपका बहुत ही अच्छा फेस वॉश बनकर तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉच।